हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे मारुति सुजुकी के बारे में, जो कि लास्ट एक वीक में हमें 1,000 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिल चुकी है। लास्ट वीक की मैं बात करूँ तो लास्ट वीक का जो हाई था वो 8,200 का हाई था और हमें फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली 7,200 के आसपास, यानी 1,000 रुपये की गिरावट हमें मारुति में देखने को मिल चुकी है। और उसके पीछे क्या रीज़न्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और जो खबर निकल के आई है फ्रेंड्स, वो खबर आप लोगों के सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं, CLSA जो कि वर्ल्ड की दिग्गज रेटिंग एजेंसी, उसने मारुति की रेटिंग डाउनग्रेडेड कर दी है और उसके पीछे उसने रीजंस भी शेयर किए हैं फ्रेंड्स। जो कि मारुति का जो SUV जो सेगमेंट्स है उसमें कंपनी बड़ा लॉस कर रही है। तो मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना चाहूँगा और जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, CLSA ने जो सेल की रेटिंग दी थी उसको फ्रेंड्स यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग कर दी और लोअर साइड जो टारगेट प्राइस बताया है वो 6,420 से 6,550 के टारगेट सजेस्ट किए हैं फ्रेंड्स। और जैसा मैंने आपको बताया, मारुति की जो प्रॉफिटेबल जो स्पोर्ट्स SUV सेगमेंट जो था उसमें कंसिस्टेंसली लूजिंग मार्केट शेयर्स, जिसके चलते यहाँ पे CLSA ने रेटिंग है वो डाउनग्रेडेड कर दिया फ्रेंड्स। तो हो सकता है यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी हमें 1,000 रुपये के आसपास की तो गिरावट देखने को मिल चुकी है फ्रेंड्स, लेकिन और यहाँ पे गिरावट नज़र आ सकती है, 6,500 तक भी आ सकता है फ्रेंड्स। अगर इस लेवल के आसपास आए तो यहाँ पे आपको एक्युमुलेट करना चाहिए मारुति में, जो कि काफ़ी बढ़िया शेयर्स है फ्रेंड्स। हो सकता है आपको कुछ दिन के लिए थोड़ी अटकली देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट दिनों में। तो फ्रेंड्स पोजिशन है तो डेफिनेटली होल्ड करें, निचले लेवल पर एक्युमुलेट करने की सलाह रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।